जय हिंद दोस्तों। एक भाई ने अपनी ही सगी बहन के घर पर करीबन 25 लाख की चोरी को अंजाम दिया, घरफोड़ी को अंजाम दिया। ये घटना मीरा रोड की है। 5 नवंबर को मीरा रोड पुलिस स्टेशन में 25 लाख की घरफोड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई उस आरोपी को पकड़ने में। करीबन 25 लाख की चोरी थी ये, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। और ये आरोपी जो फिरियादी है उसका ही सगा भाई निकला और उसे गुजरात से गिरफ्तार करके एमबीबी पुलिस लेके आई है। और अभी वो सलाखों के पीछे है। जो अमाउंट रिकवर हुई है वो करीबन 25,24,000 है और कुछ मोबाइल फोन्स भी रिकवर हुए हैं। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में डीसीपी विजयकांत सागर ने क्या कहा। मीरा रोड पुलिस थाने में जो है 5 नवंबर एक घरफोड़ी की घटना का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें जो है इसका महत्व इस टाइप से था कि इसमें 25 लाख रुपए की यानी जो घरफोड़ी रजिस्टर करवाई थी, माननीय पुलिस एक्स सदानंद दाते सर ने जो है उसका इम्पोर्टेंस लेके जो है क्राइम यूनिट को इंस्ट्रक्शन दिया था। उसके तहत जो है क्राइम यूनिट एसीपी क्राइम मांडवे जो है वो क्राइम यूनिट 1 के PI कुराडे, सेंट्रल यूनिट के PI राख और पुलिस स्टेशन के जो है बागल और उनकी डिटेक्शन टीम इसके ऊपर वर्क कर रही थी। जैसे 25 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम थी, तो हमारे क्राइम यूनिट 1 की 3 टीम करवाई थी। PI कुराड़े जो थे वही थे PI सुरवे और PSI विचारे, ये जो लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे ऑफेंस रजिस्टर हुआ और पुलिस वहाँ पे गई थी तो एक पता चला कि जो भी अक्यूज्ड है वो कोई यानी नॉन पर्सन हो सकता है। उसके तहत हमने जैसे छानबीन करवाई तो ऐसे पता चला कि फिरियादी का जो एक जो भाई है वहाँ पे आया था और वो तब से वहाँ पे नहीं था। तो जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया था तो हमें जो सबूत मिले उसे देखा कि आरोपी जो है वो चोरी करवा के बाहर निकला था। तो जैसे हमारी जो टीम है यूनिट 1 की लगातार उसके ऊपर वर्कआउट कर रही थी, तो कल जो है कि हमें वलसाड़ गुजरात से आरोपी मिला। और जैसे आरोपी और ने जो चोरी की थी जो भी रकम है उसमें से जो है 25 लाख 24 हज़ार रुपये और जो भी रकम उसने चोरी की थी उसमें कुछ उसने मोबाइल वगैरह खरीदी किए थे, तो वो रकम जो है आरोपी और ये जो रकम रिकवर करने में यूनिट 1 की बड़ी बड़ी कामगिरी यूनिट 1 ने की है। सगे भाई ने साहब बहन के घर पे चोरी किस तरह की? यस, ये जो आरोपी है जो फिरियादी है उसका सगा भाई है। उस दिन जो उसके घर पे आया था और उसने पहले ऐसे बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो जो फिरियादी और उसके जो घर वाले थे एक शादी के लिए बाहर जा रहे थे, तो उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे रुका था और उसके बाद उसने एक ऑफेंस करवा के वो निकल गया। आपराधिक मामले दर्ज है क्या उसके पीछे? उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन जैसे है कि जो फिरियादी के और यहाँ पे एक शादी थी तो शादी की तैयारी वगैरह चल रही थी, तो उनको पता था कि घर में पैसे हैं और इसलिए फिर उसने उसे अंजाम दिया। सर, शादी होने के बावजूद इतनी बड़ी रकम बैंक में रखने के बजाय घर पे रखने का क्या कारण? शादी अभी होने वाली है। उसी छानबीन हम कर रहे हैं। अपराधी है जो फिरियादी है उसका भाई है, सगा भाई। यस, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक का कितने का माल बरामद किया है और उसका जो एफसी वगैरह लिया है उस बारे में जानकारी? जो है कल हमने उनको यानी ताबे में लिया है और कल अभी तक जो है हमारे पास 25,24,000 रुपये कैश और जो उसने मोबाइल खरीदी किए हैं तो 5-6 मोबाइल अभी तक हमने रिकवर करवाए हैं। सर, इसमें और भी आरोपी होने की आशंका है? हमारा तपास चल रहा है, लेकिन जैसे ही अभी तक जो चल रहा है वो फिर एक ही अक्यूज होगा। और फिर हम आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका चोरी करने का मकसद क्या था, पैसे का क्या करने का, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में चल रही है। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केयर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाए केवल 14,999 रुपए में। इजी EMI फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।